हे फ्रेंड्स वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एम राहुल तो आज क्लॉक में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे ठीक है बेसिक वाला ठीक है तो सबसे पहले क्या आएगा फार्मूला क्या रहता है फार्मूला जो रहता है कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व करने से पहले क्या होना चाहिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए ठीक है तो फार्मूला क्या रहता है इसका थीटा थीटा क्या होता है मतलब डिग्री हो गया इज इक्वल टू मोड के अंदर क्या आएगा थर्टी इंटू एच माइनस इलेवन अपॉन्ट टू एम और ये क्लोज ठीक है बस ये फार्मूला आपको याद रखना है अगर आपको कभी क्या दिए एंगल दिए मिनट दिए अगर आवर निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो ठीक है इसके थ्रू या कभी आपको मिनट दिए और ये दिए और थीटा निकालना है तो वो भी निकल जाएगा या फिर ये दोनों चीज़ें दी हैं और मिनट निकालना है तो भी निकल जाएगा ठीक है तो ये फार्मूला क्या होना चाहिए आपको याद होना चाहिए ठीक है तो अब और चीजें क्या क्या इसमें आपको पता होनी चाहिए तो देखो यहां मैं लिख देता हूं वैन बोथ द हैंड्स बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक क्लॉक आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देखो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होती है जैसे सपोज करो ये मैंने क्लॉक बनाया हुआ है ठीक है ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड एलेवन ठीक है तो ये क्लॉक ऐसे इसमें बोला गया the बोथ of ऑफ क्लॉक आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन सपोज करो जो घड़ी की मोटी वाली सुई रहती है आवर हैंड जिसे बोलते हैं वो बारह में है और जो पतली वाली सुई जो है वो कहाँ देख रही है सिक्स में उसकी डायरेक्शन है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई ठीक है एक ऊपर देख रहा है एक नीचे ठीक है तो कैसे देखो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं ठीक है वेन बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये जो एंगल बना रहे हैं अभी अभी जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है वन एटी डिग्रीज का बन रहा है तो ये आपको ये चीज क्या रखनी है हमेशा याद रखनी है कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते हैं कि जो इतना टाइम हो रहा है और जो एंगल है वो क्या है

वन ट्वेंटी सॉरी ट्वेल्व आवर्स में कितनी बार आएगा जब मतलब एक घंटे में कितना बार है एक बार तो बारह घंटों में कितना आएगा ग्यारह बार एलेवन टाइम्स ठीक है और ट्वेंटी और डे ट्वेंटी फोर आवर्स में ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है मतलब फुल डे हो गया ठीक है फुल डे में कितनी बार होता है ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में सुइयाँ आती हैं तो कितनी टाइम्स आएंगी ये ट्वेंटी टू टाइम्स आएंगी ठीक है समझ गए देखो फाइव टू सिक्स और सिक्स टू सेवन ठीक है देखो यहां पे चेक करो फाइव टू सिक्स और सिक्स टू सेवन दे आर नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है दे आर नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है तो फाइव टू सिक्स जब बज रहे होते हैं या फिर सिक्स टू सेवन जब बज रहे होते हैं दोनों जगह में 5 टू 6 एंड 6 टू 7 में तो क्या होता है दे आर नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती हैं ठीक है थीके? समझ आई बात तो ये तो हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन का जो हमें क्या है माइंड में याद रखना है अब नेक्स्ट वाली चीज जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वो क्या चीज है देखो अभी हमने पहला पढ़ा ना ऑपोजिट डायरेक्शन का अब हम क्या पढ़ रहे हैं देखो वैन लिख देता तो हूँ मैं यहाँ पे वैन द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक एंगल जीरो डिग्री ठीक है मतलब ये जीरो डिग्री का एंगल कब बनाएगा जब ये बनाएगा तो उसे बोलते क्या है? उस चीज़ को क्या हम बोलते हैं को इंसीडेंट को इंसिडेंट बोलोगे या फिर ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो इसका मतलब क्या है देखो मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ ये डायग्राम आपको दिख रहा है ठीक है ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है अब देखो कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग इन दो वर्ड्स का मतलब सेम ही रहता है तो ये बोलना क्या चाह रहा है हमें देखो जैसे सपोज करो अभी टाइम क्या है एक मैंने मोटी सुई बनाई है घड़ी की वो कहाँ पे आ रही है एक पर आ रही है ठीक है सपोज करो ये एक बज्र है और जो घड़ी वाली सुई जो है वो भी कहाँ आ रही है यहीं पर आ रही है मतलब जो मिनट वाली सुई है ये वाली जो है आवर हैंड है और एक तो मिनट वाली होती है लंबी वाली वो भी अगर अगर इसी के ऊपर आ रही है तो उस वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग जहाँ पे दोनों जो हैंड्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है जीरो डिग्री का एंगल बनता है ठीक है तो वन आवर में ये कितनी बार होता है वन टाइम ठीक है ट्वेल्व आवर्स में ये कितना होता है इलेवन टाइम्स ठीक है और ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब एक दिन में ये कितनी बार रिपीट होता है तो ये होता है ट्वेंटी टू टाइम्स ठीक है अब देखो ये जो इन्होंने टाइम बोला है बारह से एक इस टाइम पे क्या होता है ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती है ठीक है ये हमेशा बात क्या रखनी है आपको याद रखनी है बारह से एक का जो टाइम रहता है उसके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है ठीक है घोड़ी की जो सुइया है वो एक साथ नहीं आती हैं ठीक है थीके? समझ आई बात बारह से एक बस ठीक है तो ये दो चीजें दो चीजें समझ आ गई अब देखो थर्ड वाली चीज क्या है वेन बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट राइट एंगल आर एट राइट राइट एंगल क्या होता है मतलब 90 डिग्री का जो बनता है ठीक है क्या वो उसको क्या बोलते हैं? जो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है इस वाला ये वाला जो एंगल रहता है ठीक है ना एल वाला टाइप का इसे हम क्या बोलते हैं नाइन्टी डिग्रीज का एंगल रहता है ठीक है तो वैन द बोथ द हैंड्स ऑफ क्लॉक क्लॉक आर एट राइट एंगल तो राइट एंगल कब बन सकता है देखो एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सपोज करो जो आवर हैंड है वो यहाँ पे है ठीक है ये बड़ा वाला ठीक है मैंने ऐसे करके बना दिया है और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है अभी मिनट हैंड यहाँ पे है ठीक है मिनट हैंड यहाँ पे तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है राइट right एंगल बन रहा है नाइन्टी डिग्रीज का ठीक है तो अभी जो ये गैप दिख रहा है आपको इस वाले टाइम पे तो ये क्या गैप है ये जो गैप जो है इसके और इसके बीच में ये जो गैप होता है ये कितने मिनट्स का रहता है हमेशा 15 मिनट्स का रहता है ठीक है हर किसी को पता है क्लॉक में ये जो ये गैप रहता है ये मिनट्स का रहता है ठीक है तो देखो वन आवर में ये कितनी बार होता है टू टाइम होता है एक बार देखो जैसे छह बज रहे हैं तो एक बार यहां पे हुआ और दूसरी बार यहां पे हो जाएगा दो बार हो गया ठीक है और उसके बाद क्या होता है तो ट्वेल्व आवर्स में कितनी बार होगा ये ट्वेंटी फोर टाइम्स हो जाएगा सॉरी ट्वेंटी टू टाइम्स आएगा ठीक है और ट्वेंटी फोर आवर्स में ये कितनी बार रिपीट होगा मतलब क्या वैल्यू आएगा तो ये जो कितनी बार रिपीट होता है ये होता है फोर्टी फोर टाइम्स ठीक है क्या होगा फोर्टी फोर टाइम्स होगा तो देखो यान आवर में टू टाइम्स रिपीट होता है जैसे ए, यहां पे और यहां पे जैसे छः बज रहे हैं तो छः पंद्रह पे होगा और छः बज के फोर्टी फाइव मिनट्स पे होगा टू टाइम वन आवर में ट्वेल्व आवर्स में ट्वेंटी ट्वेंटी टू टाइम्स होता है और ट्वेंटी फोर आवर्स में कितना होगा फोर्टी फोर टाइम्स होगा ठीक है देखो टू टू थ्री एंड थ्री टू फोर जो टाइम में बोल रहा हूं यहाँ पे तो देखो बोल के रहे टू एंड दो से तीन बजे मतलब दो से तीन बजे और तीन से चार बजे वन राइट एंगल इज क्या होता है कॉमन रहता है तो मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ तो कहां पे समझा सकता हूँ देखो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ठीक है ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इन्होंने क्या बोला है दो से तीन तो सपोज करो मेरा जो आवर हैंड है वो दो के ऊपर सेट है ठीक है और मिनट हैंड को मुझे बनाना है कितना ये वाला इस एंगल पे बनाना है ना नाइन्टी डिग्री एंगल मतलब इन्होंने बोला है ना वन आवर में टू टाइम्स बनता है ये वाला सिचुएशन है ये वन आवर में टू टाइम बनता है तो अगर सपोज करो मुझे दो से तीन वन आवर तभी होगा ना ये मिनट हैंड ये मैंने आवर हैंड ले लिया मोटी वाली ठीक है मिनट हैंड में कहाँ रखूंगा कि मेरा एंगल नाइनटी डिग्री का बनना चाहिए तो देखो अगर मैं फाइव पे रखता हूँ इसको तो देखो पांच पांच दस पांच पंद्रह पंद्रह मिनट्स का डिफरेंस है ठीक है तो ये एक, एक एंगल यहाँ पे बनेगा और दूसरा कहाँ बनेगा देखो दूसरा यहाँ पे बनेगा पांच पाँच दस पांच पंद्रह ठीक है दूसरा यहाँ पे बनेगा क्योंकि देखो वन आवर में टू टाइम्स होता है ना ऐसा तो देखो यहाँ पे टू टाइम्स हो रहा है पहले पहला ये 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 हुआ हुआ दूसरा हुआ। तो देखो बोल क्या रहे हैं यहाँ पे टू टू थ्री एंड थ्री टू फोर वन राइट एंगल इज कॉमन तो देखो ये ये मतलब कॉमन लाइन में आ रहा है ये जो राइट right एंगल आ रहा है ये कॉमन लाइन पे आ रहा है तो यही ये यह, यही समझाना चाह रहा है ठीक है और थ्री टू फोर देखोगे तब भी वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा अब देखो एट टू नाइन की बात कर रहा है अगर चेक करो यहां से एट टू नाइन अगर मैं आपको आगे बताता हूं एट टू नाइन में देखो एट टू नाइन जो टाइम रहता है उसमें क्या होता है ओनली वन टाइम्स राइट एंगल विल पॉसिबल ठीक है वन टाइम राइट एंगल विल पॉसिबल देखो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो एग्ज़ाम में कुछ पूछ लेगा तो आपको समझ में ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा आपको वहाँ पे इजी रहेगा ये सब चीज़ें पता होंगी तो ठीक है तो इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ तो देखो आठ से नौ अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एट टू नाइन जाना है तो देखो अगर मैं मोटी वाली सुई को यहाँ पे लगा देता हूँ ठीक है मोटी वाली सुई मैंने यहाँ पे लगा दी है अब यहां पे मुझे एट टू नाइन जाना है तो मेरा मिनट हैंड यहीं से स्टार्ट होगा ना पहले तो मुझे पहला क्या बनाना है पंद्रह मिनट्स वाला एंगल जो होता है वो रहता है ये नाइनटी डिग्री का ठीक है मतलब पंद्रह मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए तो यहाँ पे पंद्रह मिनट्स का डिफरेंस कहाँ पे होगा देखो ये आठ पे है अगर मैं इसको पांच पे ले देता हूँ तो पांच दस और पंद्रह पहला तो ये यह यहां पे आ रहा है ठीक है ठीक है ये आ गया आगे ये कहाँ पर जाएगी सु यहां तक लेके जाता हूँ नौ, मतलब बारह से पहले होना चाहिए तो अगर ग्यारह पे लेके जाता हूँ देखो पांच पांच दस देखो यहाँ पे है, पांच पांच दस पांच, पांच पंद्रह तो एक ये ग्यारह पर आ जाएगा ठीक है अब बोल के रहे वन राइट एंगल विल बी पॉसिबल ए टू नाइन वन टाइम तो देखो मैं बस इस डायग्राम के थ्रो तो को यह बताना चाहता हूँ यहाँ बोल रहा है वन टाइम राइट एंगल विल बी पॉसिबल तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है किस तरीके से बन रहा है ठीक है तो ये जो है ये क्या चीजें हैं ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है स्टडी करने के अब देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चन क्या रहते हैं वो आपको मैं बताता हूँ तो गैस देखो ये क्वेश्चन चेक करो स्क्रीन के ऊपर क्या है इन ए मिरर अ क्लॉक शोज द टाइम ऑफ थ्री फिफ्टीन वट विल बी द राइट टाइम तो देखो यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि जो वो क्लॉक क्लॉक है वो बारह आवर्स वाली क्लॉक है ट्वेंटी फोर आवर्स वाली क्लॉक है ठीक है टू टाइप्स की रहती हैं क्लॉक्स कौन कौन सी देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला हो कि ट्वेल्व आवर्स लिखा है ट्वेल्व ए ट्वेल्व आवर्स क्लॉक अगर ऐसा करके लिखा है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है जो भी वहाँ गिवन टाइम दिया है उसको ग्यारह इलेवन इंस टू सिक्सटी से क्या करना है माइनस करना है जो भी यहाँ पे गिवन टाइम दिया है ठीक है तो मुझे जो गिवन टाइम दिया है वो क्या दिया है थ्री फिफ्टीन थ्री फिफ्टीन दी है देखो यहाँ पे मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा क्या है इन इन्हें मिररर क्लॉक शो द टाइम ऑफ थ्री फिफ्टीन वट विल द राइट टाइम तो यहाँ बाई डिफॉल्ट मैं ये वाली ट्वेल्व आवर्स की क्लॉक ले रहा हूँ क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि इन्हें ट्वेल्व ट्वेल्व आवर्स क्लॉक या फिर इन्हे ट्वेंटी फोर आवर्स क्लॉक ठीक है इन दोनों में से एक मेंशन किया होगा अगर कोई भी मेंशन नहीं किया होगा तो आपको बाई डिफॉल्ट क्या लेना है यही वाला लेना है तो इस वाले क्वेश्चन में चेक करो आपको क्या करना है एलेवन सिक्सटी से क्या माइनस करना है थ्री टू फिफ्टीन ठीक है तो यहाँ से फाइव माइनस वन फोर यहाँ पे कितना हो गया फाइव ठीक है यहाँ पे कितना हो जाएगा इलेवन माइनस थ्री कितना हो जाएगा सात आठ नौ दस देखो सात तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एट एट फोर्टी फाइव आ रहा है ठीक है एट फोर्टी फाइव आंसर आ रहा है अगर सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हो ट्वेंटी फोर आवर्स क्लॉक में तो ट्वेंटी फोर इलेवन देखो ट्वेल्व आवर्स क्लॉक में जो आपको टाइम लेना है वो लेना है ये इलेवन इज टू सिक्सटी और अगर बाय मैंशन नहीं किया है कोई भी क्लॉक तब भी आपको बाई ये लेना है और अगर ट्वेंटी फोर आवर्स वाला क्लॉक बोला है तो वहाँ पर जो टाइम लेना है वो क्या लेना है ट्वेंटी थ्री सिक्सटी ये वाला टाइम लेना है ठीक है फिर आपको इससे क्या करना पड़ेगा थ्री फिफ्टीन माइनस करना पड़ेगा ठीक है समझ आई बात इस तरीके से तो बस जस्ट मैंने आपको ये समझाना चाहता था कि आपको क्या क्या चीजें क्या हैं माइंड में रखनी है और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुका हूँ तो आप क्या चाहो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं ठीक है तो इतना ही काफी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए यही क्वेश्चंस रहते हैं ज्यादा और कुछ क्वेश्चंस रहते नहीं है आगे चल के जब हमारा पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएंगे मतलब जितने भी रीजनिंग के रहते हैं उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा ठीक है तो बाय टेक केयर